हाँ तो यार, कैसे हो आप सभी लोग? फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अरे फिर से थैंक यू। ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 3 है, जिसमें मेरा गोल होगा एक गोल्ड फार्म बनाना, विलेजर्स के लिए एक मार्केट बनाना और एक स्टोरेज हॉल बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट गोल है एक गोल्ड फार्म बनाने का, और उस गोल्ड फार्म को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 56 ऑब्सीडियन चाहिए। तो वो ऑब्सीडियन माइन करने मैं यहाँ केव में आया हूँ। ऑब्सीडियन माइन करके मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर जाने के लिए मैं लैडर चढ़ रहा हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ। मैं गोल्ड फार्म के लिए बाकी सारी चीज़ें बना रहा हूँ, और अब मैं गोल्ड फार्म बनाने के लिए जा रहा हूँ। जगह सिलेक्ट करके मैं ज़मीन से 5 ब्लॉक ऊपर जा रहा हूँ। 5 ब्लॉक ऊपर जाके इसे एक साइड को 14 ब्लॉक एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब बनानी है यहाँ पे मैंने एक 14x14 की नेदर पोर्टल। अबे इतनी बड़ी नेदर पोर्टल तो मैंने आज तक नहीं बनाई। अभी यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर लगेंगे जो बहुत करीब से एक दूसरे को देख रहे होंगे, और यहाँ पे इसके आगे लगेगा एक डिस्पेंसर जिसमें रखी है मैंने एक वाटर बकेट, ताकि इस पोर्टल को हम ऑफ ऑन ऑफ कर सकें। अभी मुझे ये देखना है कि पिगलिन इस साइड स्पॉन होता है या उस साइड। जिस साइड पिगलिन स्पॉन होगा उसी तरफ बनेगा किलिंग चैम्बर, और यहाँ पे फाइनली पोर्टल के राइट साइड एक पिगलिन स्पॉन हुआ। अब तो पक्का गोल्ड फार्म वर्क कर जाएगा। देन ब्लैक ड्रैगन ने पिगलिन को मारने के चक्रों में मुझे हिट कर दिया। कहीं सर्वर क्रैश ही ना होता रहे, इसीलिए मैंने इस आयरन फार्म पे लिवर लगा दिया। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कह दिया। पिगलिन भी स्पॉन हुआ तो उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जर्वर और डिस्पेंसर लगे हुए थे, तो मुझे वो तोड़ के दूसरी साइड लगाने पड़े। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। देन मैंने इसका किलिंग चैम्बर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमारा फर्स्ट गोल यानी हमारा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो चुका है। ये गोल्ड फार्म काफी ज्यादा फास्ट है और एक्सपी भी इससे काफी ज्यादा मिलती है। काश मैंने ये पहले बना लिया होता। और अब हम करने वाले हैं इस गोल्ड फार्म की डेकोरेशन, क्योंकि जहां हम हो वहां डेकोरेशन ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? तो गाइस, अभी इस गोल्ड फार्म का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अभी जो आपने सिनेमैटिक देखे हैं वो कुछ ज़्यादा ही बाद के हैं। एक्चुअली हमने अभी तक वैसा कुछ किया नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड में एक या दो होगलिन तो आ ही रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन ने अपना नेदरराइट आर्मर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, और मैं उसका मुँह देख रहा हूँ खड़ा। एक दिन हमारे पास भी फुल नेदरराइट आर्मर होगा। तो सारा ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस फार्म से जो गोल्डन नगेट और रोटन फ्लैश आ रहे थे वो तो आ रहे थे, पर जो सोर्ड्स आ रही थी उन्हें मुझे मैन्युअली जलाना पड़ रहा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैंने इस फार्म पे ढेर सारा एफके किया और अपने सारे के सारे टूल्स रिपेयर किए। यहाँ पे बेनिया ने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाया। ये जो ग्रेनाइट वाला कमरा है ये नेदरराइट आर्मर से भरा होगा, और इसकी वॉल्स को वो डायमंड से चेंज करने वाला है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। विलेज के पास ये वाली जगह कुछ ज्यादा खराब लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ बिल्ड किया जाए। सबसे पहले मैंने एक मार्केट बनाने के बारे में सोचा, पर फिर मैंने सोचा कि मार्केट नहीं बनानी चाहिए, और फिर मैंने सोचा कि एक ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाना चाहिए, पर वो आइडिया भी मुझे कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लगा। तो मैं एक नए आइडिया के साथ आया जो कि था एक मार्केट बनाने का। तो अब मैं यहाँ पे एक मार्केट बनाने वाला हूँ। देन मैंने सारी जगह को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने सारी की सारी जगह ठीक कर दी है, और यहाँ से ये चेस्टेस वगैरह भी उठा रहा हूँ ताकि ये जगह टोटली क्लीन हो सके। अब ये बिल्कुल फ्लैट वर्क जैसा लग रहा है। तो अभी मैं जो मार्केट या जो भी बनाने वाला हूँ उसके लिए मुझे ढेर सारी वुड चाहिए। तो वुड ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है जो मैंने ऑफ कैमरा को रखी थी।
तो अभी मैं जो ये मार्केट या जो कुछ भी बनाने वाला हूँ उसके अराउंड एक वाल होगी और चारों तरफ चार गेट होंगे, तो मैंने इसकी वाल्स और गेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तीन से चार ट्राइज के बाद मैंने गेट का ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। जो अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो अभी सारी वॉल्स और गेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है यहाँ पे एक पाथ बनाने की। और ये लो बन गया पाथ। वैसे ये सीन अच्छा है। मेरे पास स्टोन की काफ़ी कमी हो रही थी तो फिर मैं कुछ स्टोन कलेक्ट करने चला गया। मैंने गोल्ड फार्म वाले पाथ के नीचे से स्टोन कलेक्ट किया और ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन मैंने स्टोन के लिए ये वाली जगह भी खाली कर दी। मैं इस पाथ के साथ साथ स्टोन ब्रिक्स लगाने वाला था जिससे अच्छा व्यू आने वाला था, तो मैंने वो स्टोन ब्रिक्स यहाँ पे लगाई और अच्छा व्यू भी आया। और अब बारी थी यहाँ पे विलेजर्स के घर बनाने की और विलेजर्स को यहाँ आबाद करने की, तो मैंने ये वाला काम भी स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली सारे के सारे घर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है इनका इंटीरियर करने की और डोर्स और विंडोज़ लगाने की। देन मैं विलेज में गया, दो विलेजर पकड़े और उन्हें मार्केट में ले आया। विलेजर्स ला के मैंने उन्हें पोटैटो दे दिए और कुछ ही देर में सारे का सारा विलेज बच्चों से भर गया। अब मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे चार शॉप्स। जो जगह बची थी वहाँ पे मैंने फ्लैचिंग टेबल और बेड लगाने के लिए छोटे छोटे बना दिए। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बिल्ड किया है। तो गाइस जैसी मार्केट मैं बनाना चाह रहा था वैसी तो बनी नहीं, पर जैसी भी बनी काफी अच्छी है। क्यों अच्छी है या नहीं? नहीं। तो गाइस अभी इस वीडियो में मेरे दो गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा सिर्फ एक गोल रह गया है जो कि है एक स्टोरेज हॉल बनाना। तो अभी ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे सारे के सारे पाथ्स ठीक कर रहा है, चलो मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। बस यार बहुत होगी हेल्प। मेरे टूल्स की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी तो मैं गोल्ड फार्म पे आ गया अपने टूल्स वगैरह रिपेयर करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को बैड ओमन का इफेक्ट मिल चुका था तो हमने सोचा क्यों ना रेड करवा ली जाए। इस रेड से हमें टोटम वगैरह भी मिल जाएंगे, सो लेट्स गो। We'll be right back.
ये रेड तो हमने बहुत आसानी से जीत ली थी, पर इस मार्केट में मौजूद हर विलेजर को पिलेजर्स मार गए थे और हमें इस बात की खबर रखना थी। टूल्स रिपेयर करने के लिए मैं दोबारा गोल्ड फार्म पे आया और इन सोर्ड्स को जलाने में फिर अपना टाइम गवाया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन मैंने इन फर्नेसेस को ब्लास्ट फर्नेसेस से रिप्लेस कर दिया ताकि ज़्यादा जल्दी स्मेल्ट हो सकें सोर्ड्स। देन मैंने कुछ टॉर्चेस लगा के उन पे कारपेट लगा दिए। अब मेरा लास्ट गोल था एक स्टोरेज हॉल बनाने का, तो जो स्टोरेज हॉल मैं बनाने वाला हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको भी बनाना है तो आप देख सकते हैं। मैंने ये वाली जगह सेलेक्ट की है स्टोरेज हॉल को बनाने के लिए। देन इस जगह को साफ करने में मुझे कुछ ज़्यादा ही देर लग गई। देन जगह कम पड़ी तो मैंने पीछे की तरफ कुछ ऐसे एक्सपेंड कर दिया जिसके कोने पर खड़े होकर वैसे ही डर लगता है। तो गाइज़ ये है मैप स्टोरेज हॉल का जो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो मैनेज ने इस पाथ के साथ साथ ये स्ट्रीट लाइट्स और बैम्बूज भी लगाए हैं और यहाँ पे एक फार्म भी बनाया है। उसके बाद मैंने स्टोरेज हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस फाइनली हमारी इस वीडियो का लास्ट गोल यानी स्टोरेज हॉल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा बैठ के जहाँ जहाँ चेस्टेज पड़ी थी सारी चेस्टेज तोड़ दी और उनका सामान ला के इस स्टोरेज हॉल में जमा कर दिया। सो गाइस वीडियो के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।